गाइस ट्रैक्टर के चक्का जो होता है आगे का वहाँ छोटा होता है सभी ट्रैक्टरों में, ऐसा क्यों? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ऐसा पीछे का चक्का बड़ा होता है आगे का छोटा क्यों होता है। वीडियो का अंत तक बने रहे। गाइस कहा जाता है कि अगर आपके पास जैसे कि दो किरणें हैं, एक किरणें किसी कारणवश खराब हो गए तो क्या एक किरणें पर नहीं जीवित रह सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि एक किरणें पर आप अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ मुश्किल है, लेकिन आप अगर खाद्य पदार्थ सही से प्रोटीन युक्त जो विटामिन खा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अधिक दिन तक आप जीवित रह सकते हैं जितना चाहें। गाइज हमारे जो बाल होते हैं वह एक दिन में कितने बढ़ते हैं, एक महीने में कितने बढ़ते हैं, जिसके कारण अधिकांश पुरुषों को अपने बाल को कटवाना पड़ता है। जी हाँ, एक महीने डेढ़ महीने पर कटवाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि एक दिन में 0.3 से 0.5 mm 0.3 से 0.5 से mm बढ़ता है प्रतिदिन, और एक महीने में 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर तक वह बढ़ता है। हमारे इंडिया टेस्ट मैच कब जीता, जो कि कब प्रारंभ हुआ था, आपको पिछले वीडियो बताए थे, फिर से बता देते हैं कि 1877 में दुनिया में पहली बार टेस्ट मैच खेला गया था, जिसके बाद भारत कब यानी कि किस समय जाकर वहाँ पूर्ण रूप से जीता टेस्ट मैचों को, उसके पहले नहीं जीता था। 1932 में जाकर भारत ने टेस्ट मैचों को जीता, पहले जो कोई अनदर देशों जीते थे। दुनिया में पहली बार क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, यानी कि पहली बार कब खेला गया था टेस्ट मैच, वह मेलबोर्न में 1877 ईस्वी में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। किनके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ था 45 रनों से, ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ था जो कि इंग्लैंड हार गया। यानी पहला पाकिस्तान अपना टेस्ट मैच कब जीता था, टेस्ट मैच खेलने का प्रारंभ 1977 में स्टार्ट हो गए थे, जो कि भारत 1932 में जीते, और पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश जिसे कहा जाता है, यानी कि पटीदार जिसे कहा जाता है, वह कितने दिन यानी कि कब वह अपना टेस्ट मैच जीता, 1952 में जाकर पाकिस्तान अपना टेस्ट मैच पूर्ण। गाइज फुटबॉल के नामों से यानी कि फुटबॉल जो नाम है प्रत्येक देशों में फुटबॉल ही कहा था, लेकिन मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर फुटबॉल का अनदर नामों से यानी कि दूसरा नामों से जाना जाता है, कहा जाता है, उस देश का क्या नाम है, वहाँ पर क्या कहा जाता है फुटबॉल को? उत्तरी अमेरिका में फुटबॉल का दूसरे नाम से बोला जाता है, जो कि सार्क यानी कि शक्कर नामों से फुटबॉल को कहा जाता है। जैसे कि झुंड, यहाँ के बहुत सारे झुंड चल रहे हैं हाथी का, बहुत सारे, उसमें से अगर एक हाथी मर जा रहे हैं तो क्या होगा, झुंडों को क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि कोई सदस्य में एक व्यक्ति मर जा रहा है तो पूरे सदस्य रोते हैं, उसी प्रकार हाथी वहाँ और बहुत अधिक सारे जितने हाथी हैं वहाँ सब मिलकर गरज कर रोते हैं, विभिन्न प्रकार के आवाजें निकाल के, जैसे कि मनुष्य का रोते हैं गरजते हैं। कौन सा जानवर है जो कि वह प्रतिदिन स्नान बिना किए हुए नहीं रह सकता है? आप उसे अपने घरों में कैद करके रख रहे हैं तो उनको प्रतिदिन स्नान कराना ही पड़ेगा, नहीं कराने पर वह गुस्से हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हाथी प्रतिदिन स्नान अपने खुद से करे या आप लेकर उसे नदी पोखर में करवाए, लेकिन आपको प्रतिदिन हाथी को स्नान कराना ही पड़ेगा, वह सबसे अधिक साफ सुथरे जानवरों में समाये। क्या अपने आंखों को एक समय में दोनों तरफ देख सकते हैं, जैसे कि एक इस साइड, लेकिन दोनों आंखों को दोनों साइड यानी कि दोनों इधर भी एक ही समय पर देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते हैं आप, लेकिन दोनों आंखों को दोनों साइड यानी कि दोनों इधर भी एक ही समय पर देख सकते हैं लेकिन नहीं देख सकते हैं आप, एक बार ट्राई जरूर करें। लेकिन कौन जीव है जो देख सकता है? गिरगिट, यानी गिरगिट छिपकली है जो एक समय में दोनों साइड इस साइड और इस साइड दोनों एक ही समय में देख सकता है। सेम जो ट्रैक्टर होता है उसके आगे यानी कि आगे वाले चक्के हमेशा छोटे होते हैं,
ऐसा क्यों होते हैं? आप लोग भी देखे होंगे कि ट्रैक्टर में आगे का चक्का छोटा ही होता है, और छोटा होता है बड़ा नहीं होता, पीछे और बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वीर बड़े यानी कि बड़े वाले जो चक्के पीछे है उससे तो पूर्ण रूप से शक्ति मिलता है ट्रैक्टर को, वह फंस नहीं सकता है, निकल सकता है। लेकिन आगे वाले छोटे इसलिए होते हैं, पतले होते हैं कि स्टीयरिंग यानी कि घुमाने में ट्रैक्टर के चक्कों को दिक्कत नहीं होगा और मैंने यानी कि सहायता से वहाँ घूम सकता है, इसलिए छोटे चक्के लगाए। तो मैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करूँ।